हम लोग 5 सितंबर से जितने भी हमारे इंडियन प्लेयर्स है सारे ही फ्री फायर इंडिया के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं अपनी फ्री फायर मैक्स को छोड़ के। इतनी खुशी। लेकिन यही भी यार काफी सारे प्लेयर्स के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारी जो फ्री फायर मैक्स की आईडी है क्या वही आईडी हम लोग चला पाएंगे हमारी फ्री फायर इंडिया के अंदर, या फिर हमारी फ्री फायर इंडिया के अंदर अलग से आईडी बनने वाली है कोई। भाई मुंह की बात छील ले। अगर तुम्हारे मन में भी डाउट है तो ये क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। एंड काफी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फ्री फायर इंडिया आ जाएगा तो फ्री फायर मैक्स का क्या होने वाला है, ये समस्या। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आप एक सबसे बड़ी गुड न्यूज की, जो कि बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, यानी कि जो हमारे एमएस धोनी सर जी है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी सर जी, वो यार हमारे फ्री फायर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और इससे रिलेटेड गाइस करीना फ्री फायर ने कल हमारे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पर भी एक वीडियो डाला था। एंड गेम के अंदर भी बहुत ही जल्दी एमएस धोनी सर का करेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी थीम पर बेस्ड पूरा इवेंट आने वाला है, उसको मैं बहुत ही जल्दी कवर करने वाली हूँ। हो सकता है कि शाम को मैं उसकी वीडियो तुम लोगों को दे दूं। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक क्लिप भी निकल के आई है जो कि आप लोग देख सकते हो। Proud to introduce MS Dhoni, one of the most iconic cricket players of all times, as Free Fire India as a brand ambassador. Wow. He will be the first Indian sports person to feature in Free Fire India as an in-game character. Fantastic. सो देखा गाइस आप लोगों ने कितना बड़ा प्राउड मूवमेंट है हम सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए। एंड अगर आप लोग भी एमएस धोनी सर जी को पसंद करते हो तो कमेंट सेक्शन में #MSDhoni एंड #FreeFireIndia जरूर से लिखना सभी लोग। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एंड अभी गाइस फाइनली बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक, यानी कि हमारी फ्री फायर मैक्स की जो आईडी है क्या वो फ्री फायर इंडिया में चलने वाली है या फिर नहीं। पर उससे जानने से पहले, सो अगर तुम्हें भी फ्री में डायमंड्स और रिडीम कोड चाहिए तो इस वीडियो के पिन कमेंट में तुम्हें एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से तुम्हें ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड होने के बाद सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसको OTP से वेरीफाई कर लेना है। अगर तुमने पहले से कोई नंबर डाल रखा है तो दोबारा वेरीफाई कर लेना। अभी यार ये ट्रिक वर्क करेगी। इसके बाद तुम्हारे सामने बहुत सारी गेम्स आएंगी, कोई भी एक गेम सेलेक्ट करके तुम्हें उस गेम को पूरा खेलना है, बीच में से उसको काटना नहीं है। एंड गेम खत्म होते ही तुमको यार यहाँ पर फ्री में डायमंड मिलने वाले हैं। यहाँ पे तुम पैसे भी जीत सकते हो, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा गेम्स है जिनको खेल के तुम लोग यहाँ पर पैसे जीत सकते हो। अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी पैसे जीत सकते हो, फ्री में स्पिन करके भी पैसे जीत सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे मौके हैं पैसे जीतने के, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, अभी जाकर डाउनलोड करो। सो गाइस देखो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों की जो नॉर्मल फ्री फायर वाली आईडी है या फिर फ्री फायर मैक्स की जो आईडी है वही आईडी यार फ्री फायर इंडिया में भी चलने वाली है। चलेगी क्या यार, दौड़ेगी फ्री फायर इंडिया के अंदर, क्योंकि करीना फ्री फायर यहाँ पर इतनी पागल नहीं है कि आप लोगों की जो फ्री फायर इंडिया के अंदर नई आईडी बनवाएगी। एंड आप लोगों को याद ही होगा यार कि यहाँ पर जब हमारा फ्री फायर नॉर्मल बैन हुआ था तब भी सभी लोगों को मजबूरी में यहाँ पर फ्री फायर मैक्स के अंदर शिफ्ट होना पड़ा था, लेकिन आईडी हमारी वही रही थी, कोई चेंज नहीं हुई थी। सो इसलिए यार आईडी की टेंशन मत लो, आईडी तुम्हारी वही रहने वाली है। और इसके अलावा यार यहाँ पर काफी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब फ्री फायर इंडिया आ जाएगा तो फ्री फायर मैक्स का क्या होगा। तो यार फ्री फायर मैक्स का पूरी तरह ठंडा चौपट होने वाला है एंड फ्री फायर का जो है वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि किसी को आप भी जानती हो कि 5 तारीख को फ्री फायर जब इंडिया आ जाएगा तो यार कौन प्लेयर भला फ्री फायर मैक्स को खेलेगा, क्योंकि फ्री फायर इंडिया हमारी इंडिया की थीम पर बेस्ड गेम है। सारी यार चीजें उसमें इंडिया की थीम पर रहेंगे, अपने जो एमएस धोनी सर के करेक्टर वगैरह आने वाले, इवेंट आने वाले, सब कुछ फ्री फायर इंडिया में ही देखने को मिलेगा। एंड जिस दिन गाइस हम लोग फ्री फायर इंडिया को डाउनलोड कर लेंगे उस दिन मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर अपने फोन में फ्री फायर मैक्स को रखने वाला है। प्लेयर्स फ्री फायर मैक्स को ऐसे डिलीट करेंगे उस दिन जैसे चाय में से कोई मक्खी निकाल के फेंकता है। एंड उस दिन पक्का देखना करीना का रिएक्शन ऐसा ही होगा। सो यार कहने का मतलब ये है कि फ्री फायर इंडिया आने के बाद भी फ्री फायर मैक्स रहेगा, लेकिन ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी गेम खेलनी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सब लोग फ्री फायर इंडिया ही खेलेंगे यार, क्यों ही कोई खेलेगा फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर इंडिया आने के बाद। सही बात है। बाकी आप लोग बताना आप लोग कितने एक्साइटेड हो फ्री फायर इंडिया खेलने के लिए, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही आइकन पैर पर हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।